ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धया देवत्वं देव। ओके, फोर्थ कैंटो 22nd चैप्टर 40th वर्स। कृच्छो महानिह भावार्णवमल्पवेशाम् षड्वर्गनक्रम् असुखेन तितिर्षन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिम् कृत्वोडुपं व्यसनम् तरदुस्तरार्णम्। सबके पास है क्या? देख रहे हो क्या? अच्छा, ओके। कृच्छो महानिह भवार्णवम् अल्पवेशाम् प्लव षड्वर्ग नक्रम असुखेन तितीर्षन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिम् कृत्वाडुपं व्यसनम् उत्तरदुस्तरार्णम्। कुछ समझ आया? एनीवे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, मैं शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश में। ओम अज्ञानातिमिरंतस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की। सो ब्रह्मा जी के चार पुत्र कुमार पृथु महाराज को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस में से एक श्लोक ये है। और एक श्लोक में वो ये समझाना चाहते हैं कि भक्ति सारे तरीकों से, सारे योग पद्धतियों से सबसे टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट प्रोसेस है, या यूं कह लीजिए द ओनली प्रोसेस। इस संसार को पार करने का तरीका केवल भक्ति है, और किसी तरीके से हम पार नहीं कर सकते। कंक्लूजन है श्लोक का। सो क्या बता रहे हैं वो? कन्विंस करना चाहते हैं इस बात से हमें। तो कैसे कन्विंस कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कृच्छो, नाउ दैट्स व्हाट द वर्ड ही इज यूजिंग। कृच्छो मतलब होता है ट्रबलसम, ट्रबलसम। ओके, याद आ गया मुझे। या मतलब मुश्किल, मुश्किल। सो कुमार कह रहे हैं कि भाई बहुत मुश्किलें हैं। और तो ये शब्द जो कृच्छा है ये भागवतम में आता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल 10वें स्कंद के 14 चैप्टर में ब्रह्मा जी कह रहे हैं आरुह्य कृच्छे न परम पदम ततः। बहुत मुश्किल से, आरुह्य मतलब ऊपर उठना, कृच्छे न मतलब मुश्किल से, परम बहुत मुश्किल से योगी ज्ञानी उस परम पद को प्राप्त करते हैं। या भगवद गीता में भी शब्द इस्तेमाल किया कृच्छ, मगर उसको एक पर्यायवाची इस्तेमाल किया क्लेश। क्लेश का मतलब भी मुश्किल होता है, नहीं? क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम। 12 चैप्टर 2nd-3rd वर्स की बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए मुझे प्राप्त करना जो कि ज्ञान और योग और अलग अलग अपने बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो बार बार ये शब्द आ रहा है कृच्छ। कृच्छ का मतलब होता है मुश्किल, मगर कैसी मुश्किल? महान। कह रहे हैं हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। नाउ दैट्स अ पॉइंट। पहली चीज जो हमें समझनी है कि हम प्रॉब्लम में है, वो एंट्रेंस है स्पिरिचुअल लाइफ का। और स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद भी अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हम प्रॉब्लम है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितना ज्यादा हमें आभास होता रहेगा कि हम प्रॉब्लम में, उतनी ज्यादा हम हाथ पांव चलाएंगे। यही है ना, मान लिया दलदल में पड़े हो। दलदल में वैसे इतनी जल्दी अंदर नहीं घुसते, नहीं, पड़े रहते हैं।
धीरे धीरे वो खींचेगा अंदर, स्लो डेथ होती है उसमें। मगर उसमें हाथ पांव चलाओगे तो गए आप अंदर, निकलोगे नहीं आप। सो उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां पे आप ज्यादा हाथ पांव चलाओगे तो और अंदर घुस जाओगे, और हमें पता भी नहीं हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद अगर हम ये एक्चुअली डिवोटी जितना एडवांस होता है उतनी उसको डर लगना शुरू हो जाता है, माया से, अपने आप से डर लगना शुरू हो जाता है कि मैं अपनी कबाड़ा थोड़े ना कर लूंगा। ये भी होता है, नहीं हम अपने ही कबाड़ा कर बैठते हैं। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है संसार में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और आप प्रभुपाद कह ही रहे, जन्म मृत्यु डिजीज, इतने सारे लोग हैं, अपने अपने आइडियाज हैं, बीमारियां हैं, हमारा मन है, हमारा शरीर है। मतलब क्वेश्चन ये नहीं कि प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम कहां नहीं है, कहां नहीं है भाई प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है इस संसार में कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो पृछो महान, मगर ये सारी प्रॉब्लम्स का बेस क्या है? ठीक है, एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। हमने कहा कि भी संसार प्रॉब्लम है, लोग प्रॉब्लम है, चीजें प्रॉब्लम है, मन प्रॉब्लम है, शरीर प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो संसार क्या प्रॉब्लम? संसार तो मरी हुई चीजें हैं, नहीं अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये चीजें थोड़े ना प्रॉब्लम है, तो डेड है। और लोग प्रॉब्लम है, वेल लोग हो सकते हैं मगर अगर हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, नहीं। और हमारा शरीर प्रॉब्लम है, शरीर भी मरा हुआ है। मन प्रॉब्लम, मन भी मरा हुआ है। बुद्धि प्रॉब्लम, बुद्धि भी मरी हुई है। अहंकार प्रॉब्लम है, अहंकार भी मरा हुआ है। तो प्रॉब्लम है कहां? तो यहां पे कह रहे हैं कृच्छो महान इह, ये शब्द देख ही साथ है, महान इह कंपाउंड वर्ड है, एक साथ जुड़ा हुआ है। तो संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वर्ड जुड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, उसका मतलब होता है। सो महान है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इह। इह मतलब क्या होता है? ये झारखंड में भी इह बोलते हैं नहीं, यह देख लेवा नहीं, क्या ऐसे कहते हैं ना, ये दिस 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 इज अ प्रॉब्लम। और शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दिस लाइफ, इह संस्कृत में किस क्या मतलब होता है? इच्छाएं, ये जीवन, ये संसार, संसार का कनेक्शन इच्छाओं से। सो जिससे मैं सुबह बता रहा था, अमरकोश डिक्शनरी में अगर आप देखोगे इच्छाओं के कई पर्यायवाची हैं। जैसे कोई बताएगा, कोई पर्यायवाची बताएगा इच्छाओं का? आप सुबह थे नहीं, कौन बोल रहा है सुप्रिया? आप सुबह थे ना पंकज, तो आप मत बताओ क्योंकि मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिनको, जो नहीं था सुबह। एक तो स्प्रिया हो गया, हाँ, और उर्दू है वो, वासनाएं और अ बैड डील, और इच्छाओं का पर्यायवाची पूछ रहा हूँ, काम और तृष्णा, आकांक्षाएं, स्पर्श, इह, इतने सारे वर्ण हैं इच्छाओं के लिए, देख रहा, इप्सिता, इतने सारे शब्द हैं मगर सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो कुछ अच्छी इच्छाएं, कुछ बुरी इच्छाएं, कुछ अच्छी और बुरी दोनों हैं, इसलिए फर्क ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सिस बनाओगे ना, एक्स एक्सिस पता है ना, पता है नहीं, पता है हाँ या ना? Yes. अब बोलो ना, हाँ मतलब क्यों पागल हो रहे हो, पता है तो हाँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस होती है तो उसमें जीरो होता है, फिर माइनस में चलता है और पॉजिटिव में। तो अगर एक्स एक्सिस बनाओगे तो जीरो, तो नेगेटिव के बिल्कुल एंड में क्या रखोगे? वासना। मतलब वासना हमेशा उन इच्छाओं के लिए होता है जो कि गंदी होती है, नहीं हमेशा, तभी तो हॉरर मूवीज का नाम होता है वासना, वो होता है, इट्स अ बैड वर्ड। तो गंदी इच्छा है वासना, गंदी के टर्म में यूज होता है। फिर अगर आप इस तरफ जीरो की तरफ आओगे तो वासना के बाद आपका आ जाएगा काम, वो और वो साथ में ही हमेशा गंदी सेंस में यूज होता है काम।
फिर उसके बाद आकांक्षा, आकांक्षा मोस्टली गंदी सेंस में यूज होता है, नहीं आकांक्षाएं हैं इसकी। और फिर उसके बाद अगर आप जीरो पे आओ, स्प्रिहा, स्प्रिहा दोनों के लिए यूज हो सकता है, गंदा भी और अच्छा भी। फिर अगर उसके आगे जाओगे तो स्प्रिया के बाद अच्छी इच्छाएं के लिए क्या है, अभिलाषाएं। हाँ, अभिलाषा भी स्प्रिया के लिए में आ गई, जीरो पे आ गई। अच्छी इच्छाएं क्या है, अच्छी इच्छाओं के लिए क्या टर्म होता है संस्कृत में, भाव। भावना हमेशा अच्छी इच्छाओं के लिए यूज होता है, नहीं? एक माँ की अपने बच्चे के लिए क्या होती है, वासना है। भावना है, तो इट्स अ गुड वर्ड, तो वो पॉजिटिव में जाएगा, भावना है। और फिर उसके बाद उसके आगे चलोगे बिल्कुल एंड में प्रेम, प्रेम तो हमेशा अच्छे के लिए है। तो ये पूरा इच्छाओं के इसलिए इतने सारे पर्यायवाची हैं। और यहां पे कौन सा कर रहे हैं इस्तेमाल, यहां पे कर रहे हैं इहा। इहा क्या है, अच्छा बुरा, अच्छी इच्छाएं बुरी इच्छाएं, इतने सारे पर्यायवाची मैंने बता दिए। सो यह वैसे इस सेंस में यूज करते हैं, बुरी, बुरी के सेंस में यूज करते हैं, बुरी इच्छा है यह, गंदी इच्छा है, जो इस संसार की इच्छा है, समझे। यह मतलब ये, यह बिहारियों से नहीं सुना, यह बोलते रहते हैं। बाकी बिहार कौन है, बिहार से यहां पर कोई है, यहां पर बिहार से कोई भी नहीं है। अच्छा, वो हमारे ब्रह्मचारी यह बिहारी में है, यह बोलते हैं। So, इस संसार की इच्छा है नेगेटिव सेंस में, तो वो कह रहे हैं प्रॉब्लम है संसार की इच्छा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। संसार प्रॉब्लम नहीं है, शरीर प्रॉब्लम नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, इनको, इनके पीछे मत पड़ो। प्रॉब्लम है संसार की इच्छाएं जो आप में पड़ी हुई है, वो प्रॉब्लम है। संसार को भोग करने की इच्छा है, वो प्रॉब्लम है। तो वो डायग्नोज हो गई प्रॉब्लम, नहीं, कुमारों ने डायग्नोज कर ली प्रॉब्लम का है। इसलिए शरीर की हालांकि निंदा की जाती है शास्त्रों में, शरीर बेकार है, ये है फ्लैश, बोन्स, मैरो, ये सारी चीजें, बट कई भक्त विश्वाचक्र ठाकुर उल्टा भी कह रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है स्तव अमृत लहरी, और उसमें एक पोयम है अनुराग वल्ली, और उसके पहले दो श्लोक विश्वाचक्र ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान मेरे हजारों शरीर हो जाएं, और उन हजारों शरीरों में हजारों मुख हो जाएं, उन हजारों मुख में हजारों जीवाएं हो जाएं, और उन हजारों जीवाओं पे आपके हजारों गुणगान हो। व्हाट यू से अबाउट दैट, नहीं? प्रॉब्लम शरीर में नहीं है, शरीर वालों की तो शरीर क्यों मांग रहे होते, प्रॉब्लम तो शरीर को भोग करने में। अगर आप शरीर को भोग नहीं करो तो शरीर एक एसेट है, समझे, एसेट समझते हो, एसेट कैसे कहेंगे, संपत्ति है। अगर शरीर को आप भोग नहीं करो और सेवा में इस्तेमाल करो, और फिर वो दूसरे श्लोक में इसको नेगेटिव वे में लिख रहे हैं कि उस शरीर का फायदा ही क्या जिसमें हजार मुख नहीं है, उन हजार मुखों का फायदा ही क्या जिसमें हजार जीवाएं नहीं है, और उन हजार जीवाओं का फायदा ही क्या जिसमें हजारों भगवान के गुणगान नहीं है। नेगेटिव वे में भी कर रहे हैं। सो वो यही कह रहे हैं विश्वनाथ की, वेल अल्टीमेटली दिन रात भगवान के गुणगान करते रहो। मैं उस पोयम में जो पॉइंट आ रहा है, बट पॉइंट मैं उस फैक्ट पे नहीं एम्फसाइज कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉब्लम शरीर और उसमें नहीं है, जैसे प्रॉब्लम स्त्री में नहीं है, आफ्टर ऑल हम कहते हैं स्त्री प्रॉब्लम है, बट वो तो इसलिए है क्योंकि पुरुषों के लिए है, क्योंकि वो तो उनमें भोग की इच्छा है ना, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो तो एक बॉडी है, एक मशीन है, बट भोग की दृष्टि से प्रॉब्लम आती है। सो मैं इसलिए कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है, डायग्नोज हो गई। ओके, जब आप डायग्नोज कर सकते हो ना तो ट्रीटमेंट कर सकते हो, डायग्नोज नहीं हो तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो भोग की इच्छाएं, और भोग की इच्छाओं से क्या होता है, भवार नवम भवा, भवा मतलब क्या है संस्कृत में, भवा मतलब क्या होता है, ऐसे मत देखो मुझे, क्या हो गया भाई, मतलब भवा मतलब क्या है, भवा संस्कृत में मतलब होता है होना,
होना। भवती सुना है, भवती भवा से बनता है, भवती होना, टू बी, टू बी, टू बी की सेंस में होना होना। सो भवा इस संसार के लिए भवा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। देखो इस संसार के लिए यह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो इच्छा के लिए भी हो रहा है और भवा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भवा मतलब होना, तो उन इच्छाओं से क्या होता है, दैट्स द होल पॉइंट। उस इच्छाओं से वही होता है जो मंजूरे इंसान होता है और कुछ नहीं, खुदा नहीं होता। तो इंसान इच्छाओं से हम कुछ ना कुछ, यह से आता क्या है भवा, ये जो इच्छा है ना बड़ी सारी, इससे आता है भवा, इससे कुछ होता है और जो होता है वही संसार है, वही तो हमने बना रखा है। इच्छाओं से ये बना दिया, वो बना दिया, वो बना दिया, वो बना दिया, वो बना दिया, अपने ही जाल खुद बना रखा है हमने, इसलिए संसार को भवा कहते हैं। मगर यहां पे कह रहे हैं भवार नवम, अर्णवम मतलब है ओशन, अर्णव, अर्णव कहां रहे, कहां रहे मंगल आरती है, कहां रहे अर्णव, क्या हो गया मंगल आरती नहीं गाते क्या, जो आते हैं उनको तो पता होगा, संसारा दावा नला फिर नया कारुण्य घन घनत्वम कल्याण गुणार्णवस्य, गुण अर्णवस्य, गुणों का अर्णव, अर्णव मतलब ओशन। अभी मुझे देखना पड़ेगा अर्णव ओशन कैसे आता है, मैंने थोड़ा रिसर्च नहीं की अर्णव की सेंस क्या है, बट अर्णव मतलब ओशन, समुद्र। सो अर्णव तो कह रहे हैं कि इस संसार इच्छाओं से क्या होता है, इच्छाओं से इतनी सारी चीजें आती हैं, भवा यानी बवंडर बना देते हैं और उसका सागर आ जाता है, चीजों का सागर, चीजों में फंस जाते हैं हम। तो इच्छाओं से करोड़ों प्लान्स आते हैं, है नहीं, कृष्णा गीता में ही कह रहे हैं करोड़ों प्लान्स बनाते हैं हम, करोड़ों चीजें बना देते हैं, करोड़ों इन्वेंशंस कर देते हैं और उस सागर में डूब जाते हैं, भवार नव उसमें डूब जाते हैं। डूब जाना मतलब उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, नहीं अपने प्लान्स में, चीजों में और इन्वेंशंस में, उसी में खोए रहते हैं, यही चलता रहता है बस, उसी को संभालने में पड़े रहते हैं और क्या होगा। सो उस तभी तो कहते हैं संसार सागर में डूब गया वो, यही कहते हैं ना, डूब गया। डूब गया मतलब क्या है कि पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया, उसका माइंड उसी में चलता जा रहा है, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता रहा, हाय मेरी चीजें, हाय मेरी दुकान, हाय मेरे कपड़े, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो 24 घंटे वो ही सोचता रहेगा। डूब गया वो उसके अंदर, डूब डूब गया वो। बोट को पता है एक और, बोट को क्या बोलते हैं, बोट का सिनोनिम क्या है संस्कृत में, है ना, मतलब नाव, नाव तो हिंदी है, नौका भी हिंदी है वैसे तो, संस्कृत में क्या बोलते हैं, चलो एक नौका बोल सकते हो, ठीक है चलो, और क्या कह रहे हो, क्या कह रही है, वो तो हिंदी है ना। सो संस्कृत में क्या बोलते हैं नाव को, प्लवा, प्लवा बोला जाता है, यहां पे इस्तेमाल हो रहा है अभी, प्लवा ए शाम, अप्लवा ए शाम, प्लवा बोलते हैं संस्कृत में नाव को। नाव को एक और बोलते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, आ जाएगा। हिंदी में एक और चीज होता है डुबडुबी, सुना है डुबडुबी बड़ा अच्छा मुझे लगता है, बंगाली में भी डुबडुबी कहते हैं, डुबडुबी पता नहीं क्यों कहते हैं, बट ओके। सो यहां पे कह रहे हैं कि इस समुद्र में, इस इच्छाओं के, इस प्लान्स के समुद्र में जिसमें अब डूब गए हो, अब प्रॉब्लम यह है कि लोग, कई लोग पहचान लेते हैं कि प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि हम ही पहले बंदे जिन्होंने पहचाना है प्रॉब्लम है, करोड़ों लोग ने सोचा इस संसार के बारे में और सोच के निष्कर्ष पे आ गए कि प्रॉब्लम है ये, और इसमें प्रॉब्लम है इच्छाएं, मतलब फिलोसोफर्स इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं इच्छाएं प्रॉब्लम है, हिस्टोरियंस इतनी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखते हैं भाई एक इच्छा गए से महाभारत हुई, दुर्योधन और द्रौपदी जो भी इच्छा थी राज्य की, तो पता ही लग जाता है कि इच्छाओं की ऐसे ही वो मार रहा है कि पीट रहा है, तो इच्छाएं प्रॉब्लम है, तो वो भी कंक्लूजन पे आ गए। रिलीजन वो तो आ ही जाते हैं, इच्छाएं प्रॉब्लम है,
तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा, इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर इन इच्छाओं से निकले कैसे, क्योंकि निकलना निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है नहीं। तो कई लोगों ने सोचा और कई लोगों ने अपलवा ईशाम, नाउ अपलवा ईशाम, नाउ दैट्स द पॉइंट। ईशाम मतलब, ईशाम मतलब भगवान, प्लवा मतलब बोट। तो इस भव सागर को पार करने के लिए एक नाव भी है, भगवान की नाव। मगर इन लोगों का आइडिया यह था कि भगवान की नाव छोड़ दो, अपलवा और लगा दिया ना, इस बोट को नहीं लेंगे, हम खुद स्विम करेंगे इसमें, हम स्विमिंग कर सकते हैं, हम स्विम करके पहुंच जाएंगे, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। यू सी, वही कहते हैं हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। जैसे जैसे मैं जब फुल टाइम बना था तो मेरी दादी कहती थी, क्या तू फुल टाइम बन गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, ये दूसरों के रोटी पे थोड़े ना पलेगा, दूसरों के पैसे पे खुद कमाना चाहिए। ये होता है माइंड में बहुत ज्यादा कि दूसरों से थोड़े ना रोटी लेके खाएंगे, खुद कमाना चाहिए। इसका आंसर क्या है वैसे, क्या कहोगे आप, कोई कहे कि यार तुम तो, मतलब कोई कहे तो क्या कहते हो? मान लीजिए आप कुछ बोले हम बद्रिकाश्रम आके रह लो, तो आपके रिलेटिव यही कहेंगे, अरे तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, दूसरों के उस पर पल रहे हो, ऐसे ही कहते हैं। तो क्या आंसर है उसका? प्रमोशन। बात तो सही है। शीला प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद ने कहा कि, प्रभुपाद ने कहा क्या हम खाली कहां बैठे, हम तुमसे ज्यादा बिजी हैं, तुम 16 घंटे काम करते हो, 24 घंटे काम करते हैं, हम 25 घंटे करते हैं, हम तो खाली नहीं है, आके देख लो तुम लोग। सो ये एरर है, नहीं उनको लग रहा है ऐसा। सो यू सी, कुछ लोग फिर सॉल्यूशंस निकालते हैं ओशन को क्रॉस करने का, बोट छोड़ देते हैं, कहते हैं हम खुद स्विमिंग कर लेंगे, ठीक है दैट्स ओके। तो इनको, इनको क्या बोलते हैं, भगवान की बोट छोड़ के खुद करना आते हैं, उनको बोलते हैं नॉन डिवोटीज। प्रभुपाद इसलिए नॉन डिवोटी लिख रहे हैं, अपलवा ईशाम, नॉन डिवोटीज, जो भगवान को छोड़ के खुद ही पार करना चाहते हैं ये इच्छाओं को, प्लान को। तभी तो फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार्स होंगे, गुरु, ये क्या कहते हैं, मैनेजमेंट गुरुज होंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये वो इस बवंडर में खुद ही, इस पजल को खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं और वो नॉन डिवोटीज हैं। 99% ऐसे ही हैं। ठीक है कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी, बट इसका, इसका एंड बता देते हम क्या होगा, ट्राई कर लो। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप ओशन में स्विम कर, हो सकता है आप एक्सपर्ट स्विमर हो, आपको अभी, मैं तो एक्सपर्ट मैनेजमेंट गुरु हूं और मैं तुम्हें बता दूंगा, बट उसमें प्रॉब्लम है, अगर आप ओशन में स्विम भी कर सकते हो ना, और अच्छी तरह स्विम भी कर सकते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है वहां। क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? षडवर्ग नक्रम, नक्रम मतलब शार्क्स है वहां। भैया आप स्विमर हो, कर सकते हो, मगर शार्क का क्या करोगे? वो तो खा जाएगी आपको। इसलिए ये जो होता है ना, जो आपका ओलंपिक रिकॉर्ड्स करते हैं, ओलंपिक जो क्या कहते हैं, ये जिसने क्रॉस किया था, इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था एक लेडी ने, उसका नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इंग्लिश चैनल पता है ना क्या है, बताना जरा, शराब का नाम है क्या? लगता है ऐसा। हाँ, कहां से कहां तक है? इंग्लिश चैनल है, हाँ मतलब यूरोपीय, यूरोप साइड में, ब्रिटिश और वहां पे चैनल, हाँ फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में ऐसे ही कुछ है, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। मैं 42 किलोमीटर स्विमिंग, स्विम करके, डे एंड नाइट रुके नहीं बीच में, ऐसा नहीं रुक जाते हैं वो, चलते रहे। अब वो तो चलो, वो एक्सपर्ट स्विमर्स होते हैं, वो कर सकते हैं, और सी में वैसे भी स्विमिंग करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि सी में आप डूबते नहीं ना, सॉल्ट की वजह से ऊपर ही रहते हो, तो रिलेटिवली ईजी है अगर आपको स्विम करना आता है तो। तो वो स्विमिंग करते रहते दिन रात, रुकते नहीं बीच में, एक्सपर्ट होते हैं वो, कर कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शार्क की, क्योंकि वो करता रहेगा, शार्क तो खा जाएगी उसको। तो इसलिए साथ में शिप भी चलता है उनके, शिप भी चलाते हैं साथ में, तो वो एक्सपर्ट होते हैं पता लगाने में, शार्क आ रही है नहीं आ रही है, उसको हटाने के लिए तो वो बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो शार्क आ रही होती है तो वो फ्लोट करती रहती है, पैर वैर नहीं चलाती, क्योंकि पैर चलाएगी तो पता लग जाएगा ना शार्क को, वो तो पानी से पता लगाते हैं ना।
तो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं शार को हटाने के लिए. यू सी प्रॉब्लम, इसलिए ये जो नॉन डिवोटीज जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते हैं कि समुद्र इच्छाओं के समुद्र से कैसे निकले, उनके सॉल्यूशंस तो होते हैं और वो स्ट्रांग सॉल्यूशंस भी होते हैं, थोड़ा टाइम काम भी करते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो तुम्हें निगल जाएंगी. वो मछलियां क्या है? षड वर्ग अनक्रम, षड वर्ग है उन शार का नाम. षड वर्ग क्या होता है? षड मतलब छह और वर्ग मतलब, वर्ग मतलब क्या है हिंदी में क्या होता है? वर्ग ग्रुप्स कैटेगरीज. हाँ वर्ग मतलब ग्रुप्स कैटेगरीज. तो चार छह कैटेगरी की मछलियां हैं इस भव सागर में. कौन कौन सी? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य एनवियसनेस. तो अल्टीमेटली इनका यही होता है, ये जो नॉन डिवोटीज करते हैं इतने मैनेजमेंट गुरु स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सब सॉल्यूशन देते हैं, वो क्या होता है स्ट्रेस का सॉल्यूशन ही इतना स्ट्रेसफुल होता है कि वो फ्रस्ट्रेट होकर मर जाता है, वो काम ही नहीं करता. वो ऐसा सॉल्यूशन होगा, इसलिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट्स होती हैं. वही सॉल्यूशन दे रहा है उसको जो स्ट्रेस्ड आदमी है, और उसको स्ट्रेस नहीं करना, वही आत्महत्या कर रहा है. सो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये वो स्ट्रेस, वो इच्छाओं को हटाने के चक्कर में फ्रस्ट्रेशन आती है. हटती तो है नहीं, हटेंगी तो नहीं, थोड़े टाइम हटेंगी फिर चली जाएं, आ जाएंगी, है नहीं. अबे मेडिटेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये जुगाड़ कर लो, ऐसे कर लो, कुछ भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो बोट पे, अब बोट पे बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो शार्क की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई. क्या है वो नहीं थी, क्या कहते हैं ये मूवी थी पाई, द लाइफ ऑफ अ पाई, पता है? नॉवल है बहुत फेमस, द लाइफ, पता है? सुना नहीं? द लाइफ ऑफ पाई बहुत फेमस है. मतलब आप लोग कहाँ हो आप लोग, मतलब कुछ तो पता होना चाहिए आपको दुनिया के बारे में. कुछ पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए दुनिया के बारे में, या नहीं पता होना चाहिए? वेल सो लाइफ ऑफ पाई ये जो थी, मतलब ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है, सबको पता है उसके बारे में. तो सो नॉवल भी है. सो वो मतलब एनीवे उसका पॉइंट ये है कि वो समुद्र में था तो उसका शिपरैक हो गया. शिपरैक समझते हो ना, जहाज टूट गया, तो वो बोट पे बैठ गया और समुद्र में बोट पे अकेला है. और उसके साथ उस बोट पे कौन था? उसके साथ एक बोट पे एक बंदर था और एक शेर था और क्या था, एक और था जानवर. अब उनके साथ रहना है उसको और वो उसके साथ रहेंगे, तो वो पूरी मूवी है बस, और कुछ नहीं है. तो एनीवे नॉवल जो है, नॉवल पे मूवी बनी थी. सो एनीवे, सो पॉइंट ये है कि बोट पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, पड़ा रहा वो समुद्र में, कोई शार्क नहीं कुछ नहीं. तो बोट पे हो गए तो बोट पे तो सो भी सकते हो, है नहीं? अब सो जाओ, सुबह उठोगे अपने आप पहुंच गए सुबह. इतनी ये मूवीज नहीं होती थी आपकी, बचपन में देखता था मैं अलादीन, हातम ताई, वो बोट पे गया, खो गया, फिर कुछ किया, फिर सो गया, पड़ा हुआ, फिर आंख खुली तो किसी आइलैंड पे पहुंच गया कहीं. होता नहीं था ऐसा, होता था ना? सो बोट पे तो बहुत सेफ हो, आप सो भी सकते हो. तभी तो कह रहे हैं वो भगवान के बोट को छोड़कर इस भव सागर को अपने प्रयास से स्विम करके क्रॉस करना आते हैं, बेवकूफ है कि मछलियां खा जाएंगी, काम क्रोध लोमो खा जाएंगे उनको एक दिन. मगर जो बोट पे बैठे हैं वो आराम से चल रहे हैं, वो तो सोए पड़े हैं, बोट चलती जा रही है. नहीं सो कह रहे हैं कि षड वर्ग का नक्रम असुख है ना, इसलिए असुख, इसलिए बहुत दुखी रहते हैं लोग. योगी ज्ञानी तपस्वी मैनेजमेंट गुरुज, ये कौन है, स्टीवन कोवी, ये जो लोग देते रहते हैं अपनी सॉल्यूशंस, सेवन टिप्स फॉर गुड हैप्पी लाइफ, इंटरनेट पे तो बहुत आता है. नहीं तो अपने ये टिप्स विप्स देते रहते हैं और लोग बड़े सुनते रहते हैं, अल्टीमेटली तो ये दुखी रहेंगे, असुखे ना, सुखी नहीं रह सकते, सुखी नहीं होते. असुखे ना तितिर शांति, और ये बाद में भवसागर को पार भी नहीं कर पाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे. सो सनत कुमार कह रहे हैं कि भाई हमारी ओपिनियन क्या है, हमारी ओपिनियन. अब वो कह रहे हैं हमारी ओपिनियन इसलिए है क्योंकि हम भी पहले उस कैटेगरी में थे, हम भी ज्ञानी थे, ज्ञानी थे ना वो तो कुमार, और हम भी स्विमिंग कर रहे थे,
हमें पता लगा इंपॉसिबल है। तो इसलिए पहली चीज आध्यात्मिक जगत में समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम है। दूसरी चीजें समझना जरूरी है कि उस प्रॉब्लम को हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते। नास्ति कृतकृते न, छांडिको उपनिषद, सर्वकर्मान चित्त ब्राह्मणो नास्ति कृतकृते न। पहला है कि भाई प्रॉब्लम है, दूसरा है कि मैं खुद सॉल्व नहीं कर सकता। अहंकार से वो नॉन डिवोटी सोच रहे हैं कि हम बोट छोड़ के कुछ चले जाएंगे। और क्यों सोच रहे हैं? बोट छोड़ बोट पर नहीं चढ़ेंगे हम, किसी पर आश्रित क्यों रहे? वही बात हो गई ना, किसी पर क्यों डिपेंडेंट रहे? हम खुद कर लेंगे अहंकार की वजह से। ठीक है, मरो फिर, दुखी रहो। और क्या है, दुखी रहने का शौक है तो दुखी रहो। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक लाइन लिख रहे हैं बहुत अच्छी यहाँ पर पोपट में, मैं पढ़ रहा था अभी, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये लॉर्ड्स वॉटर स्वीट, इनडीड समटाइम्स दे बिकम सो बिजी सिंपली इंजॉइंग द ट्रबल्स दैट दे नेवर क्रॉस द ओशियन। इंटरेस्टिंग, वो इतनी मुश्किल में पड़ जाते हैं इस भव सागर को पार करने के चक्कर में, अपने अपने आइडिया लगा लगा के कि इस दुख को मैं सॉल्व कर लूंगा अपने आइडिया से, इस दुख को मैं, यही कर रहे हैं ना लोग, अपने आइडिया से सॉल्व कर लेंगे दुखों को, कि वो दुखों में मजा आने लगता है उनको। पता है ना, दुखों में मजा। और इसको कहते हैं पवर्ट्स। पवर्ट्स समझते हो आप लोग? पवर्ट्स नहीं पता आपको? क्या बताऊं यार आपको मैं, मतलब छोड़ो, चलो परवर्ट्स चीनू को बताओ, परवर्ट्स बन जाते हैं। परवर्ट्स मतलब नहीं, जो प्रॉब्लम्स में मजा लेने लगते हैं, मैसोकिस्ट, सैडिस्ट, मैनियाक्स, मतलब ये जो होते हैं ना, कुछ लोगों को दूसरों को मारने मजा आता है ना, साइकोपैथ किलर्स होते नहीं होते हैं, तो उसको उसी मजा, उसको प्रॉब्लम्स में मजा आने लगा, समझ रहे हो, दूसरों को प्रॉब्लम देने में, साइकोपैथ किलर्स। और जो कुछ लोग अपना भी शरीर काटते रहते हैं उनको बोलते हैं मैसोकिस्ट, उनको बड़ा मजा आता है, वो रुक नहीं सकते, तो उनके आप शरीर देखोगे ना कहीं निशान पड़े रहते हैं, घर में आके चक्कू से काटते हैं, तो उनको बड़ा मजा आता है, उनको 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 मैसोकिस्ट कहते हैं। कैमल मतलब ठीक है भागवत में दिए, तो ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग अपने ऊपर जलती हुई सिगरेट लगाते हैं तो बड़ा मजा आता है, लगाते रहते हैं, अपने अंदर चक्कू घुसाते हैं, तो वो पवर्ट्स बन जाते हैं वो। अब देख लो, दे इंजॉय ट्रबल्स, उनको ट्रबल लेने में मजा आने लगता है, ऐसा हो जाता है। सो ये कंडीशन हो जाती है आदमी की, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार किसी को मारने पीटते हैं तब मजा आएगा, होता है नहीं होता है, जो गंदे लोग होते हैं बहुत दिन है, हाँ द बुलियंस, किसी को मारा नहीं यार, बड़ी मजा नहीं आ रहा, तो ऐसे लोग होते हैं, तो दैट्स ये बन जाते हैं वो। तो सनत कुमार कह रहे हैं कि भाई हम भी पहले ज्ञानी थे, हम भी मेडिटेशन करते रहते थे, वो हमें पता है नहीं हुआ कुछ, फिर हम वैकुंठ गए तो भगवान विष्णु के तुलसी दल की जब स्मेल गई, स्मेल सूंघी, तो हम डिपोटी बन गए। इतना आसान है यार क्रॉस करना। तब इसलिए कह रहे हैं कि हमारी एडवाइस ये है, इस भवसागर को क्रॉस करना है, इस इच्छाओं के इतने विशाल जाल से निकलना है, तो क्या करना चाहिए? तत्त्वम, तत्त्वम, इसके दो मीनिंग है। तत्त्वम मतलब तत्, मतलब वो, त्वम मतलब तुम उसकी शरण लो। वैसे तो इस वर्ड को आप साथ ही बोल सकते हो, तत्त्वम। तत्त्वम मतलब क्या होता है? रियलिटी, सत्य, सत्य को पहचानो। सत्य केवल ये नहीं है कि प्रॉब्लम है, सत्य ये भी है कि तुम खुद पार नहीं कर पाओगे इस प्रॉब्लम को, समझे, तुम्हारे बस की नहीं है ये सत्य। सत्य को पहचानो, तत्त्वम, 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 उसको पहचानो। तत्त्वम हरेर, उसको पहचानो, वो कौन है, उसकी शरण लो। कौन है हरेर? हरि की, हरि कौन है? भगवतो, भगवान है। सो हरि, भगवान की शरण लो। हरि शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हरि सारी इच्छाओं को हर लेंगे, दैट्स ऑल, फ्री में नहीं हरेंगे।
ऐसा नहीं आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ करना पड़ेगा। स्वाहा हर लेंगे, हरीर भगवतो भजनीयम अंग्रिम, और क्या करो उनकी शरण लेने, भजनीय उनकी सेवा करो, और कैसे सेवा करो, अंग्री, अंग्री मतलब क्या है संस्कृत में, चरण, लोटस फीट, चरण अंग्री, लोटस फीट को कहते हैं अंग्री। तो भगवान के चरणों की शरण लो, चरणों की शरण मतलब भजनीय मतलब भगवान की सेवा करो, अंग्री मतलब सेवा भाव से सेवा करो, ऐसी मत सेवा करते रहो, ये तरीका है बस। सेवा भाव से भगवान की सेवा करोगे तो काम हो गया, मतलब भगवान के चरणों की शरण लो, सेवा भाव से सेवा करो तो बहुत जल्दी पार कर जाओगे। सो इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि उस बोट पे बैठो, बोट भगवान के चरणों की, बोट भगवान की सेवा की बोट बनी हुई है, उस पे आ जाओ। और इसलिए कह रहे हैं कृत्वा उडुपम, बोट का एक और पर्यायवाची क्या है, उडुपम, उडुपी, उडुपम, उडुपम मतलब बोट होता है संस्कृत में। उडुप का एक और मतलब होता है चांद, चंद्रमा। उडुप का एक और मतलब होता है लेक, और उडुप का एक और मतलब होता है लवर एंड बिलावेड, रोमांस, सब कनेक्टेड है, देख रहे हो आप, क्योंकि चांदनी रात में ही तो फिर नाव पे बैठते हैं मिस्टर एंड मिसेस, और फिर उसके बड़ा मजा आता है, रोमांस होता है, यही होता है। तो सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, ये संस्कृत ऐसी चलती है। उडुपा, और उडुपा का एक और मतलब है भगवान का मुख। भगवान का मुख कैसे, चंद्रमा तो जैसे, तभी तो कृष्ण चंद्र बोलते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कृत्वा उडुपम, भगवान के सेवा, सेवा भाव की शरण लो, या भगवान के कृष्ण चंद्र उनकी शरण लो, दैट्स द होल पॉइंट, उनकी सुंदरता की शरण, उनके नाम की शरण, उनके उनके लीलाओं की शरण, मतलब उसको, वो साधन है हमारा इस भव सागर को पार करने का, वही साधन है, और कोई तरीका नहीं है। अब जितना भगवान का नाम लोगे, अब जितना भगवान को देखोगे, उनकी सुंदरता का स्मरण करोगे, बस इच्छाएं छोड़ती चली जाएंगी, करोड़ों इच्छाएं एक सेकंड में भस्म हो जाएंगी, करोड़ों, एक नहीं करोड़ों, और दोबारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा आपका, देख लो आप, क्योंकि हैप्पीनेस आएगी ना उसमें। सुकृत्वा उडुपम व्यसनम, और क्या होगा अगर आप इस नाव पे कृष्ण चंद्र की आप शरण लेते हो, जुड़ते हो, तो व्यसनम, व्यसनम का मतलब व्यसनम क्या होता है, व्यसन गंदी आदतें, तो गंदती आते सारी, व्यसनम उत्तर, सारी गंदी आदतों का उत्तर मिल जाएगा अगर आप व्यसनम और उत्तर को एक साथ लो, वैसे एक साथ ही है संस्कृत में, व्यसनम उत्तर, सारी गंदी आदतें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गंदी आदतें ही तो है, उन इच्छाओं से गंदी आदतें तो बनी है, गंदी आदतें तो है कि प्लान करते रहना, सोचते रहना, पागलों की तरह, ये सारी गंदी आदतें छूट जाएंगी धीरे 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 धीरे, व्यसनम, और व्यसनम गंदी आदतें छूटेंगी, फिर इच्छाएं छूटेंगी, फिर वासनाएं भी छूट जाएंगी, सब खत्म, जीरो, धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा, टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हो जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको बोट पे सोना है, स्विम करने की भी जरूरत नहीं है, दैट्स द होल पॉइंट, पॉइंट ही है कि आपको केवल भगवान की सेवा करनी है, वो तो पहले ही सुखपूर्वक है, ऐसा तो नहीं है, नहीं आप क्या अभी बैठ के क्या कर रहे हो, आप सेवा क्या, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, सुन रहे हो, मतलब उससे सुनने की सेवा कर, मतलब ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम तो हो नहीं रहा, बैठ के सुनना ही है, इतना सिंपल है, दैट्स ऑल, कोई मेडिटेशन नहीं करनी, सुनने से ही निकल रहा हो गया श्रवण, और ये प्रोसेस ही है मेन कंपोनेंट, आई मीन टू से, सिर्फ सुनना नहीं, मतलब और भी प्रैक्टिकल सर्विस भी होती है, बट मेन चीज यही है ना, सारी चीजें सुनने और कीर्तन के लिए तो कर रहे हैं हम। सो व्यसनम उत्तर, सारी बैड हैबिट्स का उत्तर मिल जाएगा। सो लोग इतने आर्टिकल नहीं लिखते ब्रेकिंग बैड हैबिट्स और बैड हैबिट्स और इसका सॉल्यूशन क्या है बैड हैबिट्स, वेल उत्तर ये है कृत्वा उडुपम, भगवान कृष्ण की शरण लो।
और उत्तरा दुस्तरम, अगर उत्तर को दुस्तर से मिला दे तो एक तो बैड हैबिट्स और व्यसनों का प्रॉब्लम मिलेगा, और दुस्तर, दुस्तर मतलब आपको जो आपने जितने भी प्लान्स बनाए ना संसार में, जितने आप जकड़ गए उसके भी प्रॉब्लम्स निकल जाए, आंसर निकल जाएंगे, आपको आंसर आ जाएंगे कि अब जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक दुकान है उसको दो कर ले, तीन कर ले या नहीं करें, व्हाट टू डू, सारे आंसर्स आ जाएंगे आपके लाइफ में। लाइफ को सिंपल करें, कॉम्प्लेक्स करें। सो उत्तर उत्तर दुस्तरार्णम, दैट्स ऑल। और इस भवसागर को आप बहुत आसानी से पार कर जाओगे। तो भगवान सनत कुमार की एडवाइस है कि भाई हम तुम्हें बता रहे हैं ना, हमने पहले भक्त नहीं थे, भक्ति करने कितना आसान है, तो ले लो, सिंपल है, सिंपल है भक्ति, इतनी सिंपल है, बताओ, इतनी सिंपल है कि हम अच्छी तरह नहीं करते, ऐसे ही है। जो बहुत सिंपल होती है ना, फिर उसको आदमी अच्छी तरह करता भी नहीं, एक टाइम बात है नहीं, वैल्यू खत्म हो जाती है ना उसकी, होता है नहीं होता है। नहीं, कितनी सिंपल है, चैंटिंग करना है हरे कृष्ण, अब इतनी सिंपल हो गए कि हरे कृष्ण चैंटिंग ही सही से नहीं कर रहे, यू गॉट द पॉइंट। सो वो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो एनीवे कुमार कह रहे हैं डू इट, परफेक्ट योर लाइफ, हो गया बस। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है, आई विल स्टॉप हियर। भक्ति की बोर्ड पे बैठना मुश्किल है, मुश्किल भी है, वो बात है कि अगर आप भक्ति की बोर्ड पे बैठोगे तो आसपास टेम्पटेशंस भी हैं, है नी, भक्ति के बोर्ड पे बैठे हो आराम से और समुद्र देख रहे हो, समुद्र की लहरें इधर उधर, और वो तो चलो कोई नहीं, आप बैठे रहो अंदर, बट आसपास बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस हैं। वो समुद्र से एक अप्सरा आएगी, आ जा, होंगे अभी वो क्या है चलो कूद के सीधा वहां मिराज है, आइलैंड, आइलैंड नहीं होती, बोलो ये क्या, ये तो आइलैंड है, हाँ चलो वहां ले चलते हैं, वहां कुछ नहीं होगा, वहां क्रैश हो जाएगा आपका। बहुत सारी टेम्पटेशंस हैं, समुद्र में ज्वेल्स भी हैं, हीरे मोती भी, आपको यहाँ ले लेते हैं चलो पहले अंदर जाकर, पैरट्स होते हैं वो जाके निकालते रहते हैं, पागलों की तरह लूटते रहते हैं। तो माया कुछ नहीं करेगी, माया को कहेगी बोट से जंप कर जा, माया ऐसी सजेशंस देगी, माया कहेगी भाई ऐसा है कि तू नहीं कर पाएगा, ये बोलेगी, क्योंकि तो बहुत मुश्किल है भाई, बोट पे बैठना भी मुश्किल है, इतनी इतनी टेम्पटेशंस हैं, हो नहीं पाएगा, देख ले पॉसिबल है। तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, एक मंत्र है वैसे मंत्र तो चलो हरे कृष्ण मंत्र है, पर एक एडवाइस है, तो माया बहुत तरीके से एडवाइस करती रहेगी। माया ये भी कहेगी कि भाई देखो ऐसा है कि जब करते रहोगे आप कहोगे नहीं नहीं मैं करूंगा, तो माया कहेगी चलो कर लो, मगर तुम अधिकारी नहीं हो भक्ति करने के, समझे, तुम्हें इतनी गंदगियां हैं, ये है वो है, मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। सो एक एडवाइस है, एक सेंट ने एडवाइस दी है, उन्होंने कहा जब भी कोई भी कुछ कहे तो एक एडवाइस है, आई एम नथिंग, आई हैव नथिंग एंड आई कवेट नथिंग, आई पोजेस नथिंग, बस मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं केवल भगवान का प्रेम चाहता हूं बस। तो यही आप, ठीक है भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, टेम्पटेशंस है, वो है वेल, और कोई मेरे पास और क्या करूं, मैं मेरे पास कुछ है ही नहीं और कोई रास्ता, कुछ कर ही नहीं सकता मैं, और मैं कुछ चाहता भी नहीं। सो माया कंफ्यूज करती है बहुत, बट ये है कि टेम्प्ट करती है, बट बोलेगी बस बोट छोड़ दो बाकी मैं देख लूंगी, वो आपने छोड़ दी बस गए आप काम से। सो भक्ति की बोट पे बैठे रहो, करते रहो, कंफ्यूज करती है नहीं अचिंत, वो बस ये है, लेक्चर सुनते रहना होता है, उससे फिर आता है, लेक्चर से होता है, वरना तो आप बोट में से भाग जाओगे,
छोड़ छाड़ के अपनी वोट बना लोगे एक दिन नजर आए भाई कहां वो मेरी वोट चल रही है। वही तो खेल है सर, खेल बस वही है। वो तो टाइम लगता है, टाइम क्या जन लगता है पता नहीं मतलब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए हमारी नाव में बैठ गए वो आपके ऊपर है, हमें तो वोट चल रही है, अब आप ही कूद गए तो हम क्या करेंगे भाई ये तो कूद गया, वो आपके आपकी श्रद्धा पे है, आप कितना पकड़ के रखो, हम तो चल ही रहे हैं बस ऐसे होता है। ओके कुछ पूछना है कुछ कहना है, इट्स डन। ओके क्या कह रहे हो केशव? ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने कृष्णा के चरणों में जो तुलसी थी वो उसमें उनके डिवोटी बने थे ना, तो हमने कितनी सारी डिवोटी हैं तो तुलसी पत्थर अंदर ले लिए भी काम आपने खा लिए सूंघे नहीं खा गए राक्षसों की तरह वो क्या है कि सारी चीज मुंह में डालते रहते हम, बचपन से ये हैबिट थी, जो भी आया मुंह में वो भी आया मुंह में, बड़े आए तो भी मुंह में, खाना देगा वो भी मुंह में, तुलसी देखी वो भी मुंह में, महाप्रसाद वो भी मुंह में सीधा, मन करता है वह डाल ले अंदर वो कभी मन नहीं किया कि उसको प्रणाम करें, प्रार्थना करें महाप्रसाद से तुलसी से, बस वही रिफ्लेक्स वही चल रहे हैं हमारे, एनिमल रिफ्लेक्स, देखते ही मुंह में वो उससे पहले कुछ बोल रहे नमः विष्णु पदाय महाप्रसाद को बंदे और बस, वो तो चलो ऐसे ही चीज है, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप वो बस इट्स बोल बाल के। सो वही राक्षस ही हैं हम लोग, प्रसाद खा गए तुलसी खा गए, भक्तों को खा जाते हैं हम, का दिमाग खा जाते हैं नहीं। सो ये क्या है ये सब, तो नहीं तो ये है प्रॉब्लम, तुलसी सूंघने का मतलब है वहां, वो सिर्फ ऐसे नहीं है करके सूंघ ली उन्होंने, वो मतलब नहीं था कि मतलब वो हृदय नॉट लाइक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको बुटीक स्पेशलिस्ट थोड़े ना है, ये एरोमा है तुलसी एरोमा, ये मस्क से अच्छी है वो, मैं वैसे वैसे डिवोटी बन रहा हूं, वो उसका मतलब है तुलसी, तुलसी की गंध आने का मतलब है तुलसी भगवान की सेवक है, यानी सबसे बड़ी इसमें चरणों में रहती है ना। तो उन्होंने सनत कुमार उन्होंने देखा कि एक्चुअली तुलसी में से दास्य भाव की खुशबू आ रही थी, तो शांत भाव में थे ना वो, इमीडिएटली वो दास्य भाव में कन्वर्ट हो गए, होने का ये तो अलग ही है, मतलब शांत भाव तो मतलब ये तो क्या है, ये डेड है, तो इसलिए वो डिवोटी बने थे, इसलिए तुलसी का एग्जाम्पल दिया है, मतलब दैट्स उनको वो मतलब उस एरोमा को इंटरप्रेट कर पाए सही से नहीं, इसलिए प्रॉब्लम ये है बस, हम तो नहीं कर पाते ना। और वैसे भी विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे हैं कि जो जो अच्छे डिवोटीज होते हैं ना, जो जो साधना में एडवांस होते हैं, उनको तुलसी से अलग तरीके की स्मेल आती है, जैसे आप लोग करोगे अलग आएगी, मगर एडवांस डिवोटी को बिल्कुल अलग स्मेल आती है, विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं स्पिरिचुअल स्मेल, वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं सूंघ सकता, तो उनको वो आई है वो दास से भाव की जो जो स्मेल है वैसे। ओके तो वील फिनिश है। सो ऐसा है कि हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की।